दिन की शुरुआत हुई इन हसीन वादियों और ठंडी हवाओं के बीच और हम जा रहे थे मनु टेम्पल से 500 मीटर दूर एक रिवर फ्रंट के अक्रॉस। ज्यादा ठंड लग रही है प्रताप। तो यहाँ भाई हम अपने पहले शूट के पहली लोकेशन पे मोहित भाई हमें ले जाते हुए, और वो कहते हैं ना सफर पर निकलने से बनती हैं यादें, और ये यादें ही उम्र भर चलती हैं आपके साथ। तो बस मैं भी निकल पड़ा था अपने दोस्तों के साथ एक नई मेमोरी बनाने। ये हमारा मेन फोकस पे कैमरा, एक वहाँ पे वो ब्लू कलर का हमने लगा रखा है, और यहाँ पे हमारे मोहित भाई बैठे हुए हैं। ओ ये डेविल का हाइप मैन। ओ ये बॉय, ये माहौल है भी यहाँ पे, ये व्यू है, हम यहाँ पे शूट करने वाले हैं अभी। गाइस अभी हमने यहाँ पे अपना पहला शूट कंप्लीट किया है। नमित भाई कैसा लगा शूट करके? अरे मौज आ गई भाई एकदम ही। आर्यन भाई बहुत बढ़िया प्रोडक्शन थी, लेकिन अब हम इन जानवरों को देख अभी रुक जाना ना भाई, तू इतनी बनाने दे दे। मोहित भाई कैसा लगा? मौज आ रही है, मौज एकदम हाई ऑन लाइफ। हाँ तो भाई अभी सीन ये है कि हम सेकंड शूट यहाँ पे करने वाले हैं। अभी हम अपने अपने भाई लोगों को सबको यहाँ पे बिठाएंगे, अगला शूट यहाँ पे करने वाले हैं। हम सोच रहे थे कि ट्रैक पे आगे जाने का, क्योंकि यहाँ पे ये सारी ट्रैक्स अवेलेबल हैं। तो तुम्हें दिखा देते हैं, ये वाले ट्रैक्स अवेलेबल हैं, और तुम्हें यहाँ के जो कॉमन एनिमल्स और बर्ड्स हैं जो यहाँ पे मिल सकती है हमें। भाई स्टार्टिंग में सबसे पहला लेपर्ड लिख रखा है इन्होंने, बट हम यहाँ पे आके इधर बढ़ते हैं। ये क्या है ब्रो, ये दिखने में कैसा होगा? इसी की वजह से वो चलना है ट्रैक पे, ग्रेट टिट देखने भाई, ग्रेट टिट देखने चलना है। फायर कैप टिट भी है, उसको ये हिमालय येलो थ्रोटेड मार्टिन। भाई ने देखो डाला स्पीकर। नहीं 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 अबे ये लगता है, बर्फ पड़ने वाली है। शाउट आउट टू डेथ स्कार। तो पहला सीन शूट करने के बाद ही मैं इतना एक्साइटेड था अगली लोकेशन के लिए कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा। और ओल्ड मनाली ब्रिज क्रॉस करते हुए अब हम जा रहे थे मनालसू रिवर के अलोंग बने इस मनाली नेचर पार्क के अंदर। हाँ तो करेंटली बॉयज हम सेकंड अपनी सेकंड लोकेशन पे आ चुके हैं। मोहित भाई रेडी विद हिज कैमरा, और यहाँ पे आर्यन भाई भी हमारे। और यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि मोहित के चश्मे का फ्रेम बहुत ही ज्यादा यूनिक है। हाँ भाई प्यारा तो लग रहा है, किसने बोला प्यारा है? नहीं लग रहा है यूनिक, पता नहीं भाई, किस सबका अपना ओपिनियन है, ऑडियंस का अपना ओपिनियन होना चाहिए। मोहित भाई भी वहाँ पे बैठे हैं, वो सारे फैक्ट्स। ये लोकेशन है अभी करेंटली हमारी दूसरी शूट, यानी पता तो यस स्टूपिड कम्स ऑफ फोकस मेडिटेटिंग विद द बीट कंपोजर्स एक्सपोज हिम मम न्यूडिस दिए मैंने ब्रूसेस ऊपर काफी यू जस्ट सिट गो थ्रू दिस Still I blew this up, I'm shooting past so smooth enough So the music up bane aate fucks including Har mujhe poochhe sab kya ye sab luck I said no, bas diya maine fuck kaafi kar Is ped ke peeche se chale bhai Tere ko main frame pe nahi aana hai Ghar chale Meri baatein sach kari maine dil se dua Thodi aankhein liye maine shikwe mita तड़पाते थे ये दिल मुझे कभी याद आते थे शर्माते नहीं बस पाते ये जस पाते लब चुप कष्ट की मैं कर पाते नहीं मेरी पाते सच करी मैंने दिल से दुआ। तो क्या तुम्हारा आज डे वन पे काफी बढ़िया तरीके से हमने काफी चीजें शूट कर ली हैं भाई, काफी बढ़िया रहा आज का शूट है ना। यहाँ का बेस्ट सीन था आर्यन ने जो टोपा पहना है भाई, आर्यन ने जो टोपा पहना है भाई, मेरा भी ले भाई, मेरा भी ले। जब टोपा हो ना 5 बज के गए, एक जगह खड़ा होकर रुक के कौन टोपा पहनता है भाई, चलते चलते पहन लेते भाई। जैसे पॉप अरे तुम लोकेशन देखो भाई, कहाँ शूट करने आए हम। तो हमारा सेकंड शूट भी काफी अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ, और अब हम जा रहे थे हमारे तीसरी लोकेशन की तरफ। कैसा लग रहा है? काफी शूट हो गया तेरा आज, कैसा लग रहा है? खुश हूं मैं कि तू पहले सैटिस्फाइड है, तो ब्रेंडी रोना नहीं करेगा ये। अबे भाई तमीज से पूछ रहा हूं, कैसा लग रहा है? तू तुरंत गाली पेल देता है भाई। कोई वीडियो है फिल्टर्ड जो मैं डाल सकता हूं?
मतलब प्रोडक्शन में मजा तो आ रहा है। चल भाई ये अच्छी बात है कि मजा आ रहा है। प्लस आई थिंक प्रोडक्शन इतना मुश्किल नहीं है। हाँ मुश्किल नहीं है बट ये है कि दो तीन बार कर लेंगे ना तो और एक्सपीरियंस के साथ में फिर तुम्हें आइडिया लग जाएगा। हाँ कल आसानी होगी काफ़ी भाई। मोहित भाई कैसा लगा शूट करके आपको? नमित भाई प्रिपेयर कर लो, आप ही के पास आ रहा हूँ इसके बाद। भाई अभी इस पॉइंट पर अब आप क्यों कूदने वाली वीडियो आएगी देखनी वीडियो में, फिर बताना कि क्यों पार्कोर था। वो सस्ता वो बीच में आप जो स्पाइडरमैन बन गए थे वो क्या था? वो यार ट्रेंड प्रोफेशनली कर पाते हो स्टंट, ट्रेंड प्रोफेशनल। तो यार बस डे वन का अभी हम लोगों ने आधा शूट कंप्लीट कर चुके हैं, हम लगभग काफ़ी सारे हुक शूट हो गए हैं। अभी लोग यहाँ पे स्कूटी का पूछने गए हैं, स्कूटी वगैरह यहाँ पे पता करेंगे क्योंकि कल हमें सिसु जाना शूट करने। तो शाम के 5:30 बज चुके थे, भूख काफ़ी तेज़ी से लगी थी, बट उसी बीच मैंने देखा कि वॉलीबॉल मैच चल रहा था तो हम कुछ देर वहाँ रुके और मैच के मज़े लेते हुए हम पहुँचे मी गराज कैफ़े एंड बेकरी, ऑल्सो नोन एज मोटरसाइकिल एक्सपीडिशंस। तो यहाँ हमने शाम के स्नैक्स का मज़ा लिया और टाइम का पता ही नहीं चला कि कब 7:30 बज गए थे। फिर क्या हम अपने स्टे पहुँचे और रेस्ट करके निकले सीधा डिनर के लिए। तो या बॉयज करेंटली टाइम क्या हो रहा है, ओके टाइम है 9:35 और अभी हम लोग 9:30 का डिनर करने के लिए हम लोगों ने आज काफ़ी शूट किया, काफ़ी हेक्टिक था, मतलब नहीं मज़ा तो आया काफ़ी, फिर बच्चे खेल रहे हैं रात के टाइम। तो मैं आर्यन और मोहित भाई वी आर हेडिंग टूवर्ड्स रॉकीज़ कैफ़े, वहाँ पर जाके हम थोड़ा सा डिनर करेंगे साथ में, देखते हैं क्या बनता है वहाँ पर, क्या क्या कैसे वाइब पे क्या है, कैसा एम्बियंस है। ओके बॉयज लुक्स लाइक टू स्मार्टीज इन सेम आउटफिट, ये दोनों लोग ग्रे और ब्लैक पहने हुए वाइब कर रहे हैं वाइब क्या फीलिंग कर रहे हैं। सो डे वन एंड्स हियर, लाइक और सब्सक्राइब दबाना ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे डे टू के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि। हाय शुरू किए हुए अभी 5 मिनट नहीं हुए, पट गई भाई कितनी झड़ी खड़ी है।